दानियाल अजीज नाहल तो हो गए, लेकिन उन्हें एक और मुश्किल का सामना है। शकरगढ़ के हलके NA 77 से कौन इलेक्शन में मैदान में उतरेगा, अहलिया या वालिद? दानियाल अजीज के लिए यह फैसला करना मुश्किल हो गया है। वालिद चौधरी अनवर अजीज कौमी असेंबली की बजाय आजाद हैसियत में एहसन इकबाल के कजन राणा मन्नान के मुकाबले में सूबाई असेंबली की सीट से इलेक्शन लड़ने पर बसिद हैं। जानते हैं इश्तियाक रबानी से। इश्तियाक, बताइएगा ये कौन फाइनली खड़ा होगा इलेक्शन में? जी बिल्कुल, दानिया अजीज की नाहली के बाद दानिया अजीज को एक और मुश्किल का सामना है कि उनके NA 77 के इलेक्शन में उनकी इंतखाबी मुहिम को कौन लीड करेगा और उनकी जगह पर कौन इलेक्शन लड़ेगा। इस हवाले से दानिया अजीज के वालिद जो ऑलरेडी PP 48 से इलेक्शन में उतरे हुए हैं, जो आजाद उम्मीदवार की हैसियत से हसन इकबाल के कजन राणा मन्नान जिन्हें लीग टिकट भी दिया गया है उसके मकालम मैदान में है। इस हवाले से दानियाल अजीज की जो अहलिया महनाज अकबर है, उन्होंने भी अपने कागज और दानियाल अजीज ने भी NA 77 से अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए हैं, लेकिन अभी तक इस हवाले से ये फैसला करना ना मुश्किल हो हसन इकबाल के लिए, दानियाल के लिए मुश्किल हो चुका है कि वो अब PTA के मुकाबले में NA 77 में अपने वालिद को उतारे या अपने अहलिये को उतारे। जबकि ये सूरत हाल इस वक्त दिलचस्प है कि जराये का कहना है कि अनवर ठीक है। शुक्रिया इश्तियाक रबानी।